रूपनगर पुलिस ने एक पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के मामले को सुलझाने और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस संबंध में SSP रूपनगर डॉक्टर अखिल चौधरी ने रूपनगर पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 30 सितंबर 2020 को सुरेंद्र सिंह भल्ला नाम का एक व्यक्ति जो एक पेट्रोल पंप मालिक था लापता हो गया और 1 अक्टूबर को उसका शव एक नहर से बरामद किया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अब लखविंदर सिंह, अमरीक सिंह और जसपाल सिंह कीर्तपुर साहिब के सभी निवासियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त कार, मोबाइल फोन, आपराधिक हथियार और मृतक के दस्तावेज बरामद किए हैं। SSP के मुताबिक तीनों आरोपी कर्ज में थे और फिरौती के लिए पेट्रोल पंप मालिक का अपहरण करने की योजना बनाई थी और उस दिन उन्होंने पेट्रोल पंप मालिक के स्कूटर को अपनी कार से टक्कर मार दी और उसका अपहरण कर लिया। जब पेट्रोल पंप मालिक ने एक आरोपी की पहचान की तो उन्होंने पेट्रोल पंप मालिक को घायल कर दिया और उसे नहर में फेंक दिया। ए रोपड़ पुलिस वालों ए सेंसेशनल मर्डर केस जो लगभग 6 महीने तो ऊपर हो गए ने, पुलिस नू फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 1 अक्टूबर नू मिली सी कि अनआइडेंटिफाइड बॉडी रिकवर हुई सी ते उसके बाद पुलिस ने वर्कआउट किया ते वक-वक पहलुआं नू एग्जामिन करन लई SIT ने इस केस च इन्वेस्टिगेशन की, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, ह्यूमन इनपुट्स बेस्ड इन्वेस्टिगेशन ते टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। तो जिवें कि ए एक लोकल एरिया दे हिसाब नाल सेंसेशनल केस सी, फ्यूल पंप ओनर सी, तो विक्टिम दी सोशल एक बियरिंग भी चंगी सी, कोई दुश्मनी नहीं सी, कोई बात ऐसी नहीं सी। पुलिस ने सारा वर्कआउट किया ते 6 महीने दे डिटेल इन्वेस्टिगेशन दे बाद पुलिस ने 3 बंदे अरेस्ट इस च किते ने। तीनवां दी जो एज प्रोफाइल हैगी 20 तो 30 साल हैगी है। ये तीनों ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट करके ये इन्हों देनदारी सीगी, पैसे इन्हों को नहीं सीगे। इन्होंने फ्यूल पंप ओनर करके ये एज्यूम किया कि इन्हें भल्ला को काफ़ी पैसे हैगे है, दे एज्यूम्ड कि 15 तो 20 लाख जो है कम से कम पैसे इन्हों मिल सकते। इस करके इन्होंने सारा प्लैन किया, रेकी की सिलेक्टिवली टारगेटिंग करके पूरा वर्कआउट किया। 30 तारीख की रात में जब फ्यूल पंप ओनर सुरेंद्र भल्ला रात को अपना काम करके जब निकले तो इन्होंने नाल दी नाल पीछा कर दे गड्डी नू, जो ये गड्डी ते सवार सी इन्होंने स्कूटी ते हिट किया, ओवरपावर करके स्कूटी ते और सारी चैक की। तो इस जद्दोजहद ते ब्रूटल इंजरी हुई, उसके बाद गड्डी ते लैके इसनू पीछे लै गए। फिर इन्होंने सोचा कि पैसे हुण मिल तो नहीं सके तो कॉल की जाए, फिर कोई मोबाइल भी नहीं मिले, तो इस सारे डर के कारण तो ये आइडेंटिफाई भी हो गए से। दैन दे थॉट कि हुण कोई ऑप्शन नहीं हैगा, दैन दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ, तो इन्होंने नहर ते सुटता। तो कॉज ऑफ डैथ जो है हैड इंजरी ते ड्राउनिंग इस केस च हैगी है। पुलिस ने सारे पक्षों एनालिसिस करके ये पाया हैगा कि जो इनिशियली रॉबरी दी गल सी वो इन्होंने रैनसम कोशिश की और उसके बाद इवेंचुअली विक्टिम वाज मर्डर्ड। बैकग्राउंड की है जी, की काम कर रहे हैं, एज कितनी है? तीनों दी एज प्रोफाइल 20 तो 30 साल हैगी है। ये छुटपुट काम करते सी जो पिछले लॉकडाउन के समय से कोई काम ना होने कारण पर इन्हों का काम नहीं रहा सी, कोई इन्हों के हाथ से पैसे नहीं सी, देवर फाइनेंशियली ट्रबल्ड। पेश करते जी कितने दिन का रिमांड ये आज इन्हों पेश करना हैगा। वी विल आस्क फॉर पुलिस कस्टडी सबस्टेंशियली और जो भी इन्वेस्टिगेशन ते गल आऊगी वक् वक् पहलू तो उस एग्जामिन करा। इस तीनों से रिकवरी मोबाइल फोन जो भल्ला को चैकबुक तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिकवर हुए हैं। सर जो पैसे लगता है वो पैसे इन्हों की लड़ाई जब मौके पर हुई तो उसी तो पैसे उत्थे रिकवर अगले दिन ही हो गए सी पुलिस नू 1 अक्टूबर नू। 4000 के करीब सी।